आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A corn farmer has perennial problem to corn borer infestation in his crop. Being environmentally conscious, he does want to spray insecticides. Suggest solution based on your knowledge of biotechnology. Write the steps to be carried out to achieve it. पूछा गया है यहाँ पे कि एक farmer है जो कि corn produce करते हैं, उनको biotechnology के knowledge के साथ ऐसे कुछ insecticides के बारे में बताने के लिए जो कि ये क्रॉप रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो डिक्रीज कर सके। तो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो चीज किया जाता है वो होता है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट देख सकते हैं और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो कि कॉर्न के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट बनाए जाते हैं वो होते हैं बीटी कॉटन या फिर बीटी प्लांट्स। और ये बीटी प्लांट्स क्या होते हैं, तो ये बीटी प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बीटी प्रोटीन्स को निकालते हैं। और ये बीटी प्रोटीन्स जो होते हैं ये बेसिकली जो इंसेक्ट्स के गट होते हैं, जैसे ही इंसेक्ट उसको एनगल्फ करता है तो इंसेक्ट्स के गट में जाके एल्कलाइनिटी प्रोड्यूस करता है। और एल्कलाइनिटी प्रोड्यूस करने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होता है। और यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एकदम से लीथल हो जाते हैं, यानी वो डाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से 100% सक्सेस जो है वो हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं जैसे कि बीटी प्लांट, इनमें बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं रिलाय कर सकते हैं। तो यही हो जाता है करेक्ट आंसर जो कि ये फार्मर यूज कर सकते हैं इन देयर क्रॉप लैंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।